गुड इवनिंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर विद पोटेंशियोमीटर एंड वंस अगेन वेलकम टू मुंजाल फिजिक्स क्लासेस। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है पोटेंशियोमीटर। कल मैंने कराया था मीटर ब्रिज भी आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड था और पोटेंशियोमीटर भी आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। पोटेंशियोमीटर के भी दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। तो कल का टॉपिक और आज का टॉपिक बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो टेक्निकल है, बस मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर। नेम से क्लियर है, पोटेंशियोमीटर जो है पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सेकेंड, यूज्ड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। दो इसके प्रैक्टिकल है और यही दोनों एप्लीकेशन है जो हमें पढ़नी है कि इसका काम है ईएमएफ कंपेयर करना टू सेल्स के और इसका काम है किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर तो सारे कहते हैं इट इज यूज। यूज थोड़ी कुछ है, हमने पोटेंशियोमीटर है क्या चीज। तो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट 4 to 6 meter लॉन्ग वायर। 4 से 6 meter लंबी कोई वायर है, 10 meter लंबी कोई वायर है, उसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। बल्कि इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं है, पोटेंशियोमीटर एक वायर है। तो सबसे बताते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। जैसे कल मैंने वुडन बोर्ड दिखाया था वैसे वुडन बोर्ड है। यहां पे ये स्केल लगा दी 1 meter लॉन्ग। अब मुझे चाहिए 4 to 6 meter लॉन्ग वायर। अगर मैं 4 meter लंबी वायर ले लूं तो मुझे 4 meter का बोर्ड चाहिए। लैब में उसको रखूंगा, वहां पे इतनी बड़ी टेबल नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, ये वायर ली मैंने मैगानिन 1 meter, फिर एक थिक स्ट्रिप्स ले ली मैंने, वहां पे इधर आ गया 2 meter, फिर ये स्ट्रिप्स ले ली, यू टर्न ले लिया 3 meter, फिर ये यू टर्न ले लिया 4 meter। तो ये जो मैंने बना दिया इसका नाम पोटेंशियोमीटर है। या मैं ऐसे कर लूं, ये लो ये वायर है ए बी, इसकी लेंथ है 4 meter या 6 meter, तो ये भी पोटेंशियोमीटर ही है। इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक वायर है जिसका नाम हमने पोटेंशियोमीटर रख दिया। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वुडन बोर्ड है, 4 to 6 meter लॉन्ग वायर इज स्ट्रेच बिटवीन ए एंड बी, और वायर बनी है मैगनिन और कॉन्स्टेंटिन की। ये हमने लंबी वायर ले ली है। अब इसका प्रिंसिपल, इफ कॉन्स्टेंट करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब क्या है इसका, ये देखो वी का फॉर्मूला होता है आई आर और रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए।
करंट कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होती है किसी मटेरियल की, तो आई इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इफ कॉन्स्टेंट करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या है? ये वायर है, यहां से मुझे कॉन्स्टेंट करंट पास करनी है, तो करंट के लिए मुझे एक तो चाहिए बैटरी, ये मैंने बैटरी लगा दी। करंट को ऑन ऑफ करने के लिए चाहिए मुझे की, मैंने की भी लगा दी। मुझे जी ये मिली एमीटर, करंट कितना है, चेंज तो नहीं हो रहा, तो मीटर से मैंने लगा दिया सीरीज में। और करंट अगर चेंज हो जाए तो उसको वापस वहीं पे लाने के लिए मैंने लगा दिया रियोस्टेट। इस टाइप से ये आरएच रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब यहां देख लो कैसे बनाऊंगा। ये ए है, ये बैटरी, की, मिली एमीटर और रियोस्टेट को मैं ऐसे ही बना सकता हूं। रेजिस्टेंस के अगर एरो लगा दो तो ये भी रियोस्टेट बन गया। तो रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एच। इसके ऊपर एरो लगा दूंगा तो मतलब सप्लाई भी मैं चेंज कर सकता हूं, ये भी वेरिएबल है। तो इसका काम क्या है? इस वायर से कांस्टेंट करंट को पास करना। इस सर्किट को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। क्या नाम बन जाएगा इसका? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी होता है कंपल्सरी सर्किट। यह कंपल्सरी सर्किट है, दोनों एप्लीकेशन में बनेगा। तो कंपल्सरी सर्किट मैंने बना दिया। If constant current is flowing through a wire of uniform area of cross section, then potential drop, ये voltmeter लगा दिया और यहां मैंने टच कर दिया जॉकी से, तो जैसे ये पॉजिटिव तो घूम फिर के यहां पॉजिटिव या नेगेटिव, ये voltmeter और ये जॉकी। जैसे मैं जॉकी को आगे लेके जाऊंगा, the length is going on increasing और potential drop भी क्या होगा, that is going on increasing। तो यही प्रिंसिपल है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर मैं इसको यहां टच करूंगा तो रीडिंग आएगी 0.1 वोल्ट, अगर मैं यहां टच करूंगा तो रीडिंग आएगी, इंक्रीज होती जाएगी रीडिंग। फिर सुन लो एक बार दोबारा, प्रिंसिपल के लिए दोनों डायग्राम बनाने कंपल्सरी नहीं है, आप कोई एक डायग्राम बना दो। मैंने यह बताया कि पोटेंशियोमीटर क्या है, किसी वायर का नाम मैंने पोटेंशियोमीटर रख दिया। इस वायर को मैंने किसी बोर्ड के ऊपर यू टर्न लगा के फिट कर दिया, 1 मीटर का बोर्ड लिया, वायर इधर गई, फिर यू टर्न होके इधर आई, फिर यू टर्न होके उधर गई, ऐसे 4, 6, 10 जितनी मर्जी वायर ले लो, मिल जाएगी आपको लैब में। फिर ये जो ऊपर वाला सर्किट है, ये सब में बनाना है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ये कंपल्सरी सर्किट है। इसका काम ये है कि कांस्टेंट करंट पास होगा इस वायर से। ये जो सर्किट है, इसका काम क्या है? कांस्टेंट करंट इस वायर से पास करने के लिए। लास्ट में मुझे चेंज करना है, वोल्ट मीटर लगाया, अगर मैं सपोज ये 2 वोल्ट का है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये 2 वोल्ट है, इसे बोलते हैं ड्राइवर सेल। क्या नाम है इसका? ड्राइवर सेल। ये 2 वोल्ट है, जब मैं इसको यहां टच करूंगा वोल्ट मीटर के पॉइंट को, तो ये रीडिंग आएगी 0.2 वोल्ट। यहां टच करूंगा तो आ गई 1.1 वोल्ट, यहां टच करूंगा तो आएगी 1.8 वोल्ट। 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं आएगी। तो जैसे मैं लेंथ बढ़ाता जाऊंगा वायर की, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अगर आपका आ जाए राइट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो दोनों में से कोई एक डायग्राम बना दो और इसको लिख दो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल।
फिर बनेगा v इज इक्वल टू के एल और k की वैल्यू बन गई v अपॉन एल। हेयर k इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, k इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि एक सेंटीमीटर वायर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं के। तो के इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, इसके बिना समझ में नहीं आ सकता किसी को। तो जब मैं यहां टच करूंगा तो 0.2 वोल्ट है, यहां टच करूंगा तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आएगी 1.1 वोल्ट, यहां टच करूंगा तो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की 1.8 वोल्ट। इसका नाम है ड्राइवर सेल। तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, हाउ कैन यू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। बस ये ध्यान से समझने वाला है, सारे न्यूमेरिकल सब कुछ आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन है हाउ कैन यू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सेम पोटेंशियोमीटर बनाऊंगा मैं वायर बना रहा हूं इस बार, ये ए ये बी, यहां से मैंने ये बनाई बैटरी, सपोज ये 2 वोल्ट है, एग्जांपल ले लिया 2 वोल्ट, कोई डाटा नहीं है। यहां मैंने लगा दिया मिली एमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव की भी लगा सकता हूं, और ये हो गया रियोस्टेट भी लगा सकता हूं। तो ये जो सर्किट है ये है कंपल्सरी सर्किट जो बनाना पड़ा है, मुझे करना है कंपेयर ईएमएफ। ये एक सेल E1, ये दूसरा सेल E2, ये 1, ये 2, ये 3, इसे बोलते हैं टू वे की। टू वे की का मतलब अगर मैं 1, 3 को कनेक्ट कर दूंगा तो E1 आ जाएगा, इसको डाले यहां कनेक्ट कर दूंगा तो सेकंड आ जाएगा। तो मुझे पूरे सारे कनेक्शन हटाने नहीं पड़ेंगे, तो दिस की इज कॉल्ड टू वे की। यहां लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर और ये चलेगी जोकी, नाम ले लिया इसका J1। अब क्या करना है मुझे, सर्किट मैंने अरेंज कर दिया, सबसे पहले कर दिया क्लोज 1 और 3 या ज्वाइन 1 और 3, ये तो मैंने क्लोज करना ही करना है, 1 और 3 को ज्वाइन कर दिया। ये स्लाइड द जोकी ऑन वायर, फर्स्ट प्लेस द जोकी एट पॉइंट ए, देन प्लेस द जोकी नियर पॉइंट बी, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है तो मतलब सर्किट आपका ठीक है। क्वेश्चन ये है जो बहुत लोगों को नहीं आता कि ये यहां टच करने से और यहां टच करने से डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में सेंटर में होता है 0, यहां 30 डिवीजन और यहां 30 डिवीजन। तो ए पे टच करूं और बी पे टच करूं तो गैल्वेनोमीटर शुड शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिर मैं इसको स्लाइड करूंगा तो इस J1 पॉइंट में गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। इस लाइन को बस समझना है और कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ये 2 वोल्ट है, तो यहां पे पोटेंशियल होगा 0.1 वोल्ट और यहां पे होगा 1.8 वोल्ट। ऐसे तो था अभी इससे पहले वाले आर्टिकल में बताया। ये बैटरी है, ये सेल है E1, इसका मान लिया मैंने 1.1 वोल्ट। फॉर एग्जांपल इट इज 1.1 वोल्ट। अब जोकी को मैंने यहां टच किया तो यहां तो 0.1 वोल्ट है,
और यहां कितना है 1.1 वोल्ट, तो करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो 1.1 वोल्ट नीचे से ऊपर करंट फ्लो करेगा और डिफ्लेक्शन आ गया सपोज लेफ्ट हैंड साइड, मे बी राइट हैंड साइड, एक मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर सुनो, जब जॉकी को मैं यहां टच करूंगा तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट, सेल का है 1.1 वोल्ट, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, करंट जाएगा नीचे से ऊपर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब मैंने इसको टच कर दिया यहां पे, अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है 1.8 वोल्ट, नीचे 1.1 वोल्ट, करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अब करंट फ्लो करेगा ऊपर से नीचे, इसलिए डिफ्लेक्शन आ गया अपोजिट से। यहां टच किया तो करंट ज्यादा था नीचे से ऊपर, यहां टच किया तो करंट आएगा ऊपर से नीचे, तो मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब मैं जॉकी को स्लाइड कर रहा हूं और यहां पे मिला 1.1 वोल्ट, अगर यहां पे 1.1 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, जब सेम पोटेंशियल होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो यहां पे मेन मुद्दा ये है कि इवन कहते हैं स्लाइड जॉकी ऑन वायर एंड फाइंड पॉइंट J1 वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो J1 इज कॉल्ड नल पॉइंट, यह इसका नाम है बैलेंस पॉइंट, एंड AJ1 इज L1, बैलेंसिंग लेंथ हो गया, ये L1 के इक्वल है, तो E1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो E1 इज इक्वल टू V1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L1 इज इक्वल टू KL1, यहां K क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L, तो V की वैल्यू क्या जाएगी KL, तो K का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 सेंटीमीटर, तो L1 सेंटीमीटर है तो क्या देगा KL1, बस ये लाइन समझाने में मुझे इतना जोर लग रहा है और कुछ नहीं, यही लाइन है इसमें, बुक्स में तो सीधा लिखा हुआ E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, क्यों लिखा पता ही नहीं है। तो मैं फिर बता रहा हूं, जब मैंने इसको A के पास टच किया तो यहां 0.1 वोल्ट, यहां 1.1 वोल्ट, तो करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, E1 से वायर की तरफ फ्लो करेगा। जब मैं यहां टच कर रहा हूं तो ऊपर 1.8 वोल्ट है वायर के क्रॉस, यहां 1.1 वोल्ट है, तो करंट फ्लो करेगा वायर टू सेल, तो करंट की डायरेक्शन अपने आप रिवर्स होगी, चेंज होगी। जब मैं जॉकी को स्लाइड कर रहा हूं तो जहां पे 1.1 वोल्ट मिल गया वायर के क्रॉस, ये भी 1.1 वोल्ट है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो जिस टाइम पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, मैंने ये लेंथ नोट कर ली, उसका नाम है L1, तो E1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L1 इज इक्वल टू KL1। अब क्या करूंगा मैं, अब 1 और 3 को हटाऊंगा और 2 और 3 को लगा दूंगा, डिस्कनेक्ट 1 एंड 3 एंड कनेक्ट 2 एंड 3। अब फिर स्लाइड करो जॉकी को, अगर ये 1.3 वोल्ट है तो जॉकी यहां पे आ जाएगी, 0.8 वोल्ट है तो इससे पहले बैलेंस पॉइंट आ जाएगा, तो जितना ईएमएफ ज्यादा होगा उतना बैलेंस पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूं, आपको एग्जांपल नहीं लिखने एग्जाम में, आपको तो ये डेटा नहीं लिखने। मैंने 1.3 वोल्ट मान लिया, अब क्या हुआ, स्लाइड द जॉकी ऑन वायर, फाइंड द पॉइंट J2 एट विच गैल्वेनोमीटर शो जीरो रिफ्लेक्शन एंड AJ2 इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ, तो AJ2 इज इक्वल टू L2 एंड E2 इज इक्वल टू V2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L2 यानी कि KL2। ये इक्वेशन 1,
ये इक्वेशन टू। E1 KL1, E2 KL2, तो क्या बन गया, E1 by E2 is equal to KL1 by KL2 यानी कि L1 by L2। तो हमारा आर्टिकल बन गया E1 by E2 is equal to L1 by L2। तो यही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में मैंने क्या करना है, बस जॉकी को मूव करना है, पहले 1 और 3 को कनेक्ट करके फाइंड द बैलेंस पॉइंट। सपोज बैलेंस पॉइंट आ गया 170 सेंटीमीटर, क्योंकि वायर तो 4 से 6 मीटर लंबी है, तो 170 भी आ सकता है और 230 भी आ सकता है। फिर मैंने 1 को 3 को हटा के 2, 3 को कनेक्ट कर दिया, फिर दोबारा मैंने वायर में जॉकी को स्लाइड किया एंड फाइंड बैलेंसिंग पॉइंट। तो बैलेंसिंग पॉइंट है J2 और A02 की वैल्यू आ गई सपोज इस केस में 320 सेंटीमीटर, तो E1 by E2 is equal to L1 by L2। तो मुझे सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ कंपेयर करनी है और जिसकी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी उसका EMF ज्यादा होगा। तो ये आज इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, हाउ कैन यू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। अभी मैं इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देता हूं, फिर सेकेंड एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। ये देखो, या पहले मैं सेकंड एप्लीकेशन ही करा देता हूं। सेकंड एप्लीकेशन भी ऐसी है, कहते हैं टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हमें करना है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। सेम यूजिंग पोटेंशियोमीटर ए बी, ये मेरे पास है बैटरी की मिली एमीटर या एमीटर लिख लो, दिस इज द ऑक्सिलरी सर्किट। ये सर्किट कंपल्सरी है, सब में बनाना है। अब मुझे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अगर आपको ध्यान हो, ये फॉर्मूला था इंटरनल रेजिस्टेंस का, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 × R, और सर्किट ऐसे होता था स्मॉल आर कैपिटल आर और ये की। अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस के टॉपिक पे पहुंच जाओ, अगर ये की ओपन है तो EMF होगा, अगर ये क्लोज है तो V होगा, और V की वैल्यू EMF से छोटी होती है। यही सर्किट में यहां बनाने वाला हूं, सेम इंटरनल EMF कैपिटल आर K1 गैलोनोमीटर। ये तो हमेशा क्लोज रहेगा, के इज क्लोज्ड। फर्स्ट है K1 इज ओपन, इसको ओपन रखना है, जब ओपन रखेंगे तो ये पड़ेगा EMF, जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये पड़ेगा V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। K1 इज ओपन, सेम स्लाइड द जॉकी ऑन वायर एंड फाइंड बैलेंस पॉइंट J1 एंड AJ1 इज इक्वल टू L1। तो E किसके को आएगा, E इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L1 इज इक्वल टू KL1। तो E की वैल्यू बन गई KL1, क्योंकि समझ आप पहले चुके हो, बस अब लिखना लिखना है हमें भाई, ओपन कर दिया तो E है तो KL1। नाउ K1 इज क्लोज्ड, जैसे मैं क्लोज करूंगा तो यहां बन जाएगा V,
और वी की वैल्यू होती है ईएमएफ से छोटी, तो बैलेंस पॉइंट आ जाएगा छोटा इससे, ये जे टू और ये हो जाएगा एल टू। केवन इज क्लोज देन अगेन स्लाइड द जोकी ऑन वायर, फाइंड बैलेंस पॉइंट जे टू एंड ए जे टू इज इक्वल टू एल टू, तो वी इज इक्वल टू वी टू, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल टू यानी कि के एल टू, और पॉइंट आपको बता रहा हूं वी ई से छोटा है तो एल टू एल वन से छोटा ही बनाना है। इससे पहले वाले आर्टिकल में जे टू कहीं मर्जी बना दो बिल्कुल ठीक था, बट यहां पे जे टू जो है वो जे वन से पहले बनेगा क्योंकि वी की वैल्यू हमेशा ईएमएफ से छोटी होती है। ये क्वेश्चन टू, ई बाई वी के एल वन बाई के एल टू यानी कि एल वन बाई एल टू, तो स्मॉल आर क्या होता है ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर, तो लिख दो एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू कैपिटल आर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। थोड़ा और इसको बेटर लिखना है तो एलसीएम ले लो, आर बन जाएगा एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू इंटू कैपिटल आर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें एल वन एल टू निकालना है, सर्किट ऐसे अरेंज करेंगे बहुत मुश्किल नहीं है, सब कुछ लैब में मिलेगा, जस्ट यू हैव टू पुट द करेक्शंस और जोकी के ऊपर वायर को, जोकी को वायर के ऊपर स्लाइड करना है। पहले ओपन करके स्लाइड करेंगे तो रीडिंग आएगी सपोज 120 सेंटीमीटर, फिर क्लोज करके करेंगे तो रीडिंग आएगी 110, 105, 111, कुछ भी आ सकता है, 120 से छोटा ही आएगा। तो L1 L2 पता है, कैपिटल R पता है, वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल R आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स है पोटेंशियोमीटर पे, और इसके 10-12 न्यूमेरिकल बनते हैं, बस सब में आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले में बताया कि यहां टच करते हैं तो रीडिंग लेफ्ट साइड में, उधर टच करेंगे तो रीडिंग राइट साइड में, तो क्यों जा रही है और यहां पे नल पॉइंट क्यों आ रहा है। अगर इसका रीजन आपके माइंड में सेट है, आसान सा रीजन है, मैंने बता दिया तो आपको इजी लग रहा है, बुक में लिखा नहीं होता, कोई बताता नहीं है, तो यहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो आप उस पॉइंट को आप ध्यान रखना, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन करा लेता हूं इसमें, फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, पहले सिंपल से डिफिकल्ट चलेंगे हम, जो हम लोग करते हैं शुरू से ही। कहता है इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। कहते हैं ईएमएफ को मैंने यूज किया 1.25 वोल्ट और बैलेंस पॉइंट है 35.0 सेंटीमीटर। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट ऑफ 35.0 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। If the cell is replaced by another cell, and balance point is shifted to 63 centimeter, balance point shift ho gaya 63 centimeter pe. Now find the EMF of the second cell. So simple sa matlab hai E2 by E1 is equal to L2 by L1. L2 by L1 even, 63 upon 35 and even 1.25. तो ये आ जाएगा सोल्व करने बाद 2.25 वोल्ट।
तो आप इसको सोल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा 2.25 वोल्ट। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो इस टाइप से आपने करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये मेरे पास ए बी सी इवन इट, पोटेंशियोमीटर एक टाइप से वोल्ट मीटर का काम कर रहा है, बस वोल्ट मीटर में थोड़ी डिसएडवांटेज है क्योंकि वो कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा, एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा मैं आपको। तो आप अभी फिलहाल ये मान चलो कि पोटेंशियोमीटर एक वोल्ट मीटर का ही काम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है, इफ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, बैलेंसिंग लेंथ इज 300 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं ए और बी के क्रॉस पोटेंशियोमीटर लगाऊंगा तो बैलेंसिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर है, तो ए और बी का मतलब मैं ईवन को रीड कर रहा हूं, तो ईवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300 सेंटीमीटर। अगर मैं ए और सी के लोग लगा दूं, इफ सेम पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, देन बैलेंसिंग लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड E1 बाई E2। अगर मैं ए और सी के बीच में लगाऊंगा तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो रही है, तो EMF भी कम होना चाहिए, और कम क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो ऐड करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है तो माइनस करेंगे, तो E1 माइनस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100। डिवाइड कर दो E1 माइनस E2 अपॉन E1, 100 बाई 300 यानी कि 1/3, 1 माइनस E2 बाई E1 इज इक्वल टू 1/3, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू E2 बाई E1, ये बन जाएगा 2/3 और E1 बाई E2 बन जाएगा 3/2। तो E1 बाई E2 बन गया 3/2। तो सिंपल सा मतलब है, ए बी के क्रॉस लगाया तो 300 बैलेंस पॉइंट, ए और सी के क्रॉस लगाया तो बैलेंस पॉइंट 100 सेंटीमीटर हो गया, तो E1 बाई E2 आपने फाइंड आउट कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चन अभी मैं जो करा रहा हूं वो कंपेयर द EMF पे है। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये मेरे पास पोटेंशियोमीटर ये देखो, ये कॉम्बिनेशन है E1 E2, ये ऐसे है E1 E2, यहां गैलोनोमीटर, ये जॉकी, कहते हैं अगर मैं 1 और 2 को लगा दूं तो बैलेंस पॉइंट है सपोज 600 सेंटीमीटर, ज्वाइन 1 एंड 2, बैलेंस पॉइंट इज 600 सेंटीमीटर, मतलब जब मैं 1 और 2 को लगाऊंगा तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, E1 प्लस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 600, ज्वाइन 2 एंड 3, देन बैलेंस पॉइंट इज सपोज 200 सेंटीमीटर, फाइंड E1 बाई E2, तो क्या बन गया ये E1 माइनस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200 सेंटीमीटर।
ईवन ई टू सॉल्व करना है, डिवाइड कर दो, ईवन प्लस ई टू, ईवन माइनस ई टू, 600 बाई 200, 3/1। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ईवन प्लस ई टू इजिकल टू 3 इंटू ईवन माइनस ई टू, ईवन प्लस ई टू इजिकल टू 3E1 माइनस 3E2, ये इधर ये इधर, E2 प्लस 3E2, 3E1 माइनस E1, 4E2 इजिकल टू 2E1 एंड E1 बाई E2 इजिकल टू 2/1। E1 बाई E2 आ जाएगा 4/2, दैट इज 2/1। तो इस टाइप से आपने E1 E2 की रेशियो निकाल देनी। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। कल और ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने वाले हम लोग, जो इससे ज्यादा टिपिकल होंगे, तो वॉच दिस वीडियो लेक्चर अगेन एंड अगेन। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब कर दी मैंने रिकॉर्डिंग बंद। आप बोलो कोई डाउट है किसी को, जल्दी बताओ। कुछ पूछना है किसी ने? अभी मैं पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं, फिर सेम टाइम, ठीक है।